हेलो वेलकम बैक, दिस इज प्रबल प्रताप सहगल, ऑनर ऑफ सहगल इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी हर बार सपोर्ट कर दे, इदा ही करते रहो और मैं भी बहुत मेहनत करता रहूंगा और ये प्रॉमिस है कि वध तो वध कोशिश रहो मेरी कि तुम बहुत अच्छा समझा सका जी। शुरू करते हैं अपना सेंटेंस है अज, सॉरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब होता है सच, परफेक्ट का मतलब होता है कन्फर्म्ड, पक्के तौर पर पता होना, और कॉन्टीन्यूअस लगातार। कोई कम इदा का जिहड़ा पास्ट च शुरू होया अज भी वह उत्थे ही है और चल भी रहा है। जिवें मान लो मेरे पिता जी 20 साल तो नौकरी कर रहे हैं, 20 साल पहला शुरू हुई, प्रेजेंट सच है, परफेक्ट अज भी वह उत्थे ही हैं, कॉन्टीन्यूअस अज भी कम कर रहे हैं। मैं 2008 तो पढ़ा रहा हाँ, 2008 च शुरू होया, ये प्रेजेंट भी है सच भी है और परफेक्ट अज भी उत्थे ही हाँ और पढ़ा भी रहा। मतलब कोई काम इदा का जो पास्ट च शुरू होंदा है, पास्ट का मतलब यही नहीं, देखो एक प्रेजेंट की भी मूवमेंट होंदी है कि मेरी मम्मी सवेर तो कपड़े धो रही है, जिहड़ी सवेर है ना वो टाइम बीत गया, यानी बीते हुए समय तो कोई चाहे वह 5 मिनट पहले जिसनों तुसी टाइम ऐड कर देने हो 15 मिनट तो 20 मिनट, एक मूवमेंट कोई लंबे समय तो है वो अज भी उत्थे ही है और चल भी रही है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसनों करन दे लई इहदी पहचान की लोड़ पैंदी है कि पंजाबी दे अंत च आउणा चाहिए तो चल रहा है, तो चल रही है, तो चल रहे हैं। हुण बहुवचन है प्लूरल्स और सिंगुलर, जिवें कि तुहानूं पता है सब्जेक्ट्स की जरूरत पैंदी है, बहुवचन यानी आई वी यू दे नाल इस दे विच लगदा है हैव प्लस बीन, और एक वचन दे नाल हैज दा प्रयोग हुंदा है नाल बीन दा प्रयोग हुंदा है, और वर्ब दी पहली फॉर्म नाल आई एन जी, सिंस अते फॉर ते नाल ऑब्जेक्ट। ये दुनिया का सब तो वड्डा सेंटेंस मन्निया जांदा है। इस दे विच मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की है सिंस। हुण कुछ लोग कहिंदे आ सर सिंस क्यों आउंदा है और फॉर क्यों आता है, जिहड़ा सिंस और फॉर है इस दे विच तो दा काम करता है। आम तौर पर एक स्टूडेंट भी मोस्टली मैं देखा कि जो पढ़ लिख गए वो भी गलती करते हैं। मान लो तुसी मैनू पुछिया भी तुसी कदों तो काम कर रहे हो, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पर उदे विचों की करते हैं आई एम वर्किंग फ्रॉम 10 ईयर्स। अगर किसी ने कहा मैं 10 साल तो काम कर रहा तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का प्रयोग करता है, आई एम वर्किंग मैं काम कर रहा फ्रॉम 10 ईयर्स 10 साल तो, ता इस करके बोलन का लिहाजा जो है ना वो समझ आ जाएगा, वो जो तुसी किसी नूं कहने हो वो बंदा समझ जाता है। ओरल इंग्लिश मूँह जवानी जिन्हों कहने आपां बोल के समझा देंगे बंदा समझ जाएगा, पर जिथे गल आउंदी है अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी पढ़ाई की उत्थे सेंस और फॉर का प्रयोग होंदा है। जो सेंस है सिंस इस दे विच एग्जैक्ट समय नूं लैंदा है, यानी जो सिंस का प्रयोग है वह पक्के समय लिए होंदा है, जिते तुहानूं कन्फर्म्ड है कि कोई काम जिहड़ा पक्के समय तो चल रहा है राइट, उत्थे सिंस का प्रयोग आएगा। अज दी जिहड़ी मैं क्लास तुहानूं दूंगा एक लाइव तरीके नाल दूंगा ताकि ईजीली हर चीज समझ आ जाए। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर इत्थे मैं लिखिया दे हैव बीन वर्किंग since 2001। देखो ध्यान देना इतने मैं लिखे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2001, ओ 2001 तो कम कर रहे हैं। मैं 2001 ना सिंस ही क्यों लगाया, क्योंकि सिंस जो सी ना कन्फर्म्ड है और 2001 पक्की इंफॉर्मेशन है, जिते पक्का समा पक्का टाइम पक्का दिन पक्का ईयर होएगा उत्थे सिंस का प्रयोग आएगा, यानी सिंस हमेशा कन्फर्म टाइमिंग नहीं लगता है। तो इस दे विच आपां ने की कीता, देखो ए आ गया सब्जेक्ट, uses of helping verb have has the प्रयोग, दे नाल been का प्रयोग, ए आ गई अपने को वर्ब की पहली फॉर्म वर्क नाल लगाया आप आई एन जी, फिर आ गया सिंस और 2001 हो गया अपने को ऑब्जेक्ट। हुण इस सेंटेंस नूं आपां अगे खिंच देंदे हां, मैं मार्कर का चेंज कर रहा क्योंकि आपां नूं ईजीली समझ आ जाए। आपां हुण कहने दे हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮਡ ਡੇ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੰਸ 7 o'clock, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੰਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂਨ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਨਫਰਮਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰਸ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ
लास्ट वर्ड जिथे मैंने जिथे देखो मैं कहांगा 10 साल तो मैं पढ़ा रहा वो मेरा अंदाजा है ना मैं कोई टाइम दिता ना डे दिता बट इतने मैंने जो कहता मैं पिछले 10 साल तो कम कर रहा या वो कम कर रहे हैं जो लास्ट मूवमेंट आती है वो भी सेंस दे विच ही ट्रांसफर की जाती है इदा ही आई हैव बीन वर्क आई दे हैव बीन वर्किंग सिंस मे 5 2008 ਉਹ 5 May 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 5 ਤਰੀਕ ਕਨਫਰਮਡ ਮੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਨਫਰਮਡ 2008 ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਨਫਰਮਡ ਸੋ ਗਾਇਸ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਸ ਲਗਾ ਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸ ਲਗਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਿੰਸ 1942 ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 1942 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ किस तरह का प्रोडक्ट बनाया और अज भी लोगों को पसंद कर रहे हैं मतलब उदो तो लैके हुण तक चल रही है मीन प्रेजेंट कहिंदा सच है प्रॉफिट कहिंदा ये बिल्कुल कंफर्मड है अज भी उत्थी है ते चल भी रही है सो इस करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच याद रखना कि जिहड़ा सिंस दा प्रयोग है वह हमेशा पक्के समय दे लई लगदा हुंदा है कंफर्म टाइमिंग दे लई आपां अगे जांदे हां ते इक वचन दे विच सॉरी इक वचन ही शी दे नाल जिवें कि ही ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਹੈਜ ਹੀ ਹੈਜ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰ ਹੀ ਹੈਜ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈਜ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 10 ਈਅਰਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫੋਰ 2 ਆਵਰਸ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ 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 ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਬ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਫਰੋਮ 10 ਈਅਰਸ ਰੋਂਗ ਇਹ ਇੰਕ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਓਰਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰਸ ਜਾਂ ਸਿੰਸ ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ 2010 ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਨਫਰਮਡ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਵਚਨ ਪਲੂਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਈ ਹੈਵ ਔਰ ਹੈਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਗਏ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀਨ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 2001 ਈਅਰ ਮੰਡੇ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 o'clock ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂਨ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰਸ
एक एग्जैक्ट समय नू रिप्रेजेंट किया पिछले 10 साल कन्फर्मेशन दिखाई इतने कॉन्फिडेंस दिखाया अपना इतने आ गया May 5, 2008 5 May 2008 5 तरीक मई का महीना 2008 डैम श्योर कन्फर्मेशन मैं कोई डाउट नहीं और मैं कई बार कहना होना कि जो तुम कोई चीज समझना कोई भी बंदा किसी भी पेशे च काम च बेईमानी कर सकता है बस एक टीचिंग ही जॉब इदा दी है जिदे च कोई बेईमानी नहीं होंदी सो अखां बंद करके समझो कि जिसने पढ़ाया प्रोमिसेबल पढ़ाया पूरा गड के पढ़ाया किते गलती होंदी ओह जरूर दसदा किते गलती नहीं है इस दे विच यही चीज है कि यह याद रखना है सिंस कन्फर्मेशन दे लई लगदा कन्फर्म टाइमिंग लई और फॉर कच्चे समय दे लई एक इंग्लिश कच्चा पक्का नहीं हुंदा पर पंजाबी लोग तां कह दिंदे आ हां मैं इहदे नाल इस बोर्ड नूं साफ करन तों बाद तुहानूं दसूंगा कि तुहानूं नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आवे सिंस कित्थे लाउणा कित्थे नहीं लाउणा ठीक है जी अगे वधदे आ सो प्लीज इहनूं राइट करो कोई कमी लगी तां जरूर दसो जे तुसीं कहो तां मैं 2-4 सेंटेंस इस दे विच होर बढ़ा के भी दस दूंगा चलो मैं कर ही दूंगा थैंक यू वेरी मच सपोर्ट साइकिल इंस्टीट्यूट अगे इस दे नेगेटिवली तैयार रहो मैं दसदा प्लीज राइट हाँ जी आप अगे वधते हैं जिवें कि मैं दस रहा सी कि सिंस और फॉर का प्रयोग मैं तुहाडे लिए चीज की है ताकि तुसीं लाइफ च कदे प्रॉब्लम फेस ना करो और देखो इंग्लिश कोई कच्चा पक्का समा नहीं होंदा एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट टाइमिंग्स होंदी बट एक आपां पंजाबी लोग आ सानूं एक देसी तरीके नाल समझना पैना है कि सिंस असीं कित्थे लगाईए जी मुड़ के सानूं कन्फ्यूजन ना रहे मुड़ के प्रॉब्लम ना आवे तां चलो इत्थे मैंने लिखे है सिंस दी वरतों हमेशा पक्के समय लई करो पक्का समा मन लो तुहाडे कोल एग्जैक्ट ईयर है कि मेरे पिता जी या मैं इन्ने साल तो यह 2008, 2010, 1905 जो भी है उहदे विच तां पक्का साल है तुहाडे कोल तां सिंस दा प्रयोग करो अगर तुसीं कहने हो मंडे संडे ट्यूजडे सैटरडे जो भी डे है तुहाडा उहदे लई पक्का दिन आएगा तां भी सिंस दा प्रयोग करो टाइम है पक्का कन्फर्म टाइमिंग है मैं 7 बजे तो 7:30 तो 9 बजे तो 11, 12 जो भी तुहाडे कोल टाइमिंग है उहदे लई भी सिंस दा ही प्रयोग हुंदा है अगे आ गया मूवमेंट्स होंदियां मॉर्निंग नून इवनिंग जिवें मैं तुहानूं कहा सी कि मैं दुपहर तो कम कर रहा या मैं सवेर तो कर रहा या शाम तो तां उहदे लई भी तुसीं मूवमेंट्स लई भी पक्के समय लई सिंस दा प्रयोग करो नैक्सट आ गया मंथ मैं इस मंथ तो कम कर रहे हैं जून तो मई तो जनवरी तो जो भी है तो उत्ते भी की आएगा सिंस दा प्रयोग अगे आ गया वीक तो तुसी कह रहे हो मैं 7 डेज कहने हो तो डेज दे विच आ गया पर तुसी कह रहे हो लास्ट वीक तो उहदे विच भी सिंस दा ही आएगा नेक्स्ट आ गया डेट कोई कन्फर्मेशन डेट है 15 तरीक 10 तरीक 8 तरीक 31 तरीक तो उहदे विच डेट आ गई तो दैट इज सिंस दा प्रयोग होगा नेक्स्ट आ गया एक इत्थे मैंने लिखे लास्ट टाइमिंग्स किवें सी पिछले 10 साल तो पिछले 5 साल तो पिछले 2 घंटे तो ता ओदे लई भी सिंस दा ही प्रयोग होएगा ता इधर वधदे हां फॉर वल फॉर दे विच की आउंदा फॉर दी वरतों कच्चे समय लई करो देखो मैंने इत्थे एक चीज कीती है कि फॉर दी वरतों जो है ओह जिवें आपां बोल देने कि 1, 2, 3 मैंने कहा मेरी एक कोशिश रही है हमेशा बच्चों नूं सिखाउण दी कि हमेशा जो बोलना है इन इस सेंटेंस दे विच ता 1, 2, 3 घंटे को चल जाएगा जिते तुसी 4 घंटे बोलदे हो भी मैं 4 घंटे तो कम कर रहा ता उत्थे मैं कहा हमेशा सेंस दा प्रयोग करो ते टाइम दे दो 11 बजे 8 बजे 2 बजे जे मैं 4 बजे तो पढ़ा रहा ता 3 घंटे हो गए मैनू ता मैं उसते 3 घंटे दी बजाय अच्छी इंग्लिश बोलांगा ता मैं सिंस दा ही प्रयोग करांगा ता इस करके मैंने इत्थे लिखे 1, 2, 3 घंटे तक दा ही प्रयोग करो जिते चौथा घंटा आउंदा है उत्थे मॉर्निंग ऐड कर दो इवनिंग कर दो या टाइमिंग दे दो सिंस च जाओ और इत्थे मैंने लिखे ईयर्स नूं इत्थे मैं कहा भी मैं पिछले 1 साल तो कम कर रहा मेरा अंदाज़ है 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल 100 साल भी होणगे जे तुसीं कहिंदे हो मेरी कंपनी 100 सालां तो चल रही है उहदे तुसीं कोई डेट नहीं दित्ती टाइम नहीं दित्ता दिन नहीं दित्ता तां अखां बंद करके उत्थे भी फॉर दा प्रयोग कर दो कोई घबराउण दी लोड़ नहीं है सिंस उत्थे आओ अगर तुसीं कहिंदे हो भी मेरी कंपनी 1920 तो चल रही है 1920 जिथे आउंदा है उत्थे 100 साल कंप्लीट होंदे आ उत्थे तुसीं सिंस लगाओ जिथे तुहानूं पता है अंदाज़ है तुक्का है उत्थे तुसीं फॉर दा ਯੋਗ ਲਗਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ 50 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਾਨ ਵਿਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਸ ਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਚਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
पहली चीज मैं फॉर्मूला लेता भी पहला सब्जेक्ट का प्रयोग करो हेल्पिंग वर्ब केड़ी है हैव और हैज नाल बीन का प्रयोग वर्ब दी पहली फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर अते ऑब्जेक्ट जे तुसी इत्थे ध्यान दो ए आ गया अपने कोल सब्जेक्ट ए आ गई हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन का प्रयोग वर्क आ गई अपने कोल वर्ब दी पहली फॉर्म नाल आपां आईएनजी लगाया फिर अपने कोल आ गया सिंस तो दा और नाल 2001 की आ गया अपने कोल ऑब्जेक्ट सो इदा ही ओहो 2001 तो काम कर रहे हैं ओ 2001 तो काम नहीं कर रहे हैं तो देखो की होया दे हैव नॉट बीन ध्यान देना इथे दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2001 क्वेश्चन बनदा की ओहो 2001 तो काम कर रहे हैं तो इथे आपां ने की कहा सी कि जो हेल्पिंग वर्ब होंदी है वो बाहर आ जांदी है सब्जेक्ट अंदर चला जांदा है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई हैव इथे बाहर आ गया सब्जेक्ट दे अंदर चला गया हैव दे बीन वर्किंग सिंस 2001 क्वेश्चन मार्क की ओहो 2001 तो नहीं काम कर रहे हैं हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस 2001 सो गाइस इस दे विच सारी दी सारी गेम ए है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दे विच सिंस और फॉर बहुत अहमियत रखता है और मैं अपने वालों बहुत अच्छी कोशिश कीती है होप थानू जरूर पसंद आएगी थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करो सैगल इंस्टीट्यूट नू जिस दिन भी 1000 सब्सक्राइबर हो गए लाइव क्लासेस मिलन गया जिस दा आनंद कुछ होर ही होएगा थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस टाइम